मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, क्या बात है आपकी? राइजिंग पाकिस्तान में हम आपको कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। हम कौन? मैं और रेबेका अब्दुल। जी बिल्कुल, आपके दिन को बड़ा खास, बड़ा अमेजिंग बनाने आ चुके हैं राइजिंग पाकिस्तान की टीम। और हम हमेशा अपनी टीम के साथ जब बैठते हैं एक चीज कहते हैं, अच्छा इतने सारे सेगमेंट्स हैं, ये कैसे हो जाता है, अच्छा इसको किस तरह देखे। हमने कहा आपको नहीं पता, जो हमारे देखने वाले हैं ना, वो जिस तरह से अपनी राय का इजहार करते हैं और जिस तरह से वो सजेशंस देते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपकी सजेशंस के लिए, आपके इनपुट के लिए, चाहे वो किड सेगमेंट में बच्चों का आना हो, उस उनके टॉपिक के हवाले से बात हो, चाहे कार्टून के हवाले से बात हो, चाहे गुड न्यूज हो, तो हर सेगमेंट को आपने अपना सेगमेंट, वो जो कहते हैं ना पर्सनल सेगमेंट, समझा हुआ है, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू जो है इतना ज्यादा हमारा रابطہ जो है ना, वो हम कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ। सो सबसे पहले जनाब, हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए जो है वो बच्चों का सेगमेंट लाया जाए, ताकि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं ना, तो वो सुबह सुबह अपना सेगमेंट देखते हुए जाएं। लिटिल कार्प, एडवेंचर ऑफ लिटिल कार्प कार्टून्स जो है वो बच्चों के लिए दिखाए जाते हैं, जिसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी अपनी राय का इजहार करते हैं। और तौसी की एक और चीज़ भी आपने देखी है सोशल मीडिया के थ्रू, हमें जब सजेशन आती हैं कि अच्छा आप ये वाला कार्टून अगर दिखा दें या वो वाला कार्टून दिखा दें, तो बड़ा अच्छा लगता है कि कार्टून में भी चॉइसेस हैं। एब्सोल्युटली, हमारे साथ आज होंगी डॉक्टर माहीन, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर हैं, जानवरों की डॉक्टर हैं। और आपको मालूम ही है कि इनका सेगमेंट हमने जब से अपना फॉर्मेट राइजिंग पाकिस्तान का जनवरी से चेंज किया और ये नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कराया, आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसमें हमने बिल्लियों में बात की है, तोतों में बात की है, चिड़ियों में बात की है, कुत्तों को, घर में पालतू कुत्तों को कैसे आप रख सकते हैं, उनकी हेल्थ, उनकी केयर, उनसे आपकी हेल्थ और केयर कैसे जुड़ी है, इस पे बात की है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है जो डॉक्टर माहीन आपके लिए राइजिंग पाकिस्तान में लेकर आ रही हैं, और वो क्या है जी? वो है जो फार्मिंग की जाती है, खरगोशों की फार्मिंग होती है, मुर्गियों की फार्मिंग होती है, बैल, गाय, भैंस, बकरियां, इस सब के हवाले से जो फार्मिंग की पूरी दुनिया है, इसके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन हम आपको देने लगे। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में हम इंडिविजुअली भी एक एक जानवर के हवाले से आपको बताएंगे कि उनकी वैक्सीनेशन कैसे होनी चाहिए, कैसे आप उनको मुख्तलिफ बीमारियों से, वायरल जो बीमारियां आ जाती हैं उनसे, जो वायरसेस आ जाते हैं उनसे कैसे बचा सकते हैं। लेकिन आज जनरली डॉक्टर माहीन एक ओवरव्यू रेबेका देने जा रही हैं फार्मिंग के शोबे के ऊपर। तो हमारे वो तमाम अहबाब जो किसी ना किसी तरह से इस हवाले से जुड़े, वैसे मछलियों की फार्मिंग भी होती है, मैं भूल गया था, तो इस हवाले से डॉक्टर माहीन के सेगमेंट है, जिसको एज एन एनिमल लवर मैं बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल, इसी के साथ चार अच्छी खबरें हैं मेरे पास, मैं आपके दिन को बनाऊंगी बड़ा ज़बरदस्त। उसकी वजह क्या है, क्योंकि चार अच्छी खबरें मेरे पास हैं, एक आपके पास होगी और एक जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे आपने पूछनी है, तो पांच छह खबरें तो आपके पास ऐसे आराम से आ जाएंगे और आप कहेंगे भाई आज तो दिन बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि चार नहीं, पाँच छः सात आठ दस खबर, कितना अच्छा हो आप कहेंगे आज आपके पास दस अच्छी खबरें हैं, मतलब मेरे पास चार है, छः आपके पास होनी चाहिए। कंपटीशन, रेबेका की टक्कर का कंपटीशन रखें कि रेबेका के पास चार हैं, हमारे पास ज़्यादा है। और इसी के साथ आपको बता दें, सोशल मीडिया का जो सेगमेंट है उसे आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू जो है आप अपनी कुछ तस्वीर हमारे साथ शेयर करते हैं और कुछ वीडियोज़ शेयर करते हैं, पैगाम शेयर करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी आप अपनी राय का इजहार करते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ तो इंस्टाग्राम के डीएम आते थे हमें या फेसबुक पर जो मैसेजेस आते थे, लेकिन अब वो जो है ना, हमने अपनी राबते की जो कम्युनिकेशन है उसको जरा वसी कर दिया, बढ़ा दिया जो है व्हाट्सएप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे मेन गेस्ट होंगे जुनेद जुबैरी, जो कि सीईओ है नैपा के, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची, जो कि म्यूजिक, आर्ट्स, ड्रामेटिक्स, थिएटर, इस हवाले से एक बहुत ही मुसद्दका ऑथेंटिक अकेडमी है, इदारा है, जहाँ से यंगस्टर्स और कुछ ज्यादा उम्र के यंगस्टर्स तैयार होकर निकलते हैं। आज नैपा के हवाले से हमने बात करी है, खासतौर पे ये हवाला भी जहन में अपने रखना है कि जुनेद जुबैरी जो है वो हाल ही में इसके सीईओ उनको अपॉइंट किया गया है। तो जुनेद के सेशन को भी हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। और अगर आप अदाकारी में या म्यूजिक में, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में या गायकी में इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं, बाकायदा तीन साल की एक डिग्री करना चाहते हैं नैपा से, तो आज का हमारा मेन सेशन आपने देखना नहीं भूलना, उसमें इस हवाले से डिटेल में हम बात करेंगे। ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान, कोई सेगमेंट रह तो नहीं गया? बिल्कुल भी नहीं, परफेक्ट, सारे सेगमेंट हमने आपको बता दिए। अब हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बच्चों के लिए कार्टून्स होंगे, कुछ सोशल मीडिया, बहुत कुछ होगा, अभी बढ़ते हैं ब्रेक के जाने।
बढ़ते हैं आपकी सबसे पहले पिक्चर्स की जानिब। इकरा अनीस, आपने हमारा साथ दिया है हासिलपुर से और आपने कुछ पकवान जो हैं वो बनाए, उनकी तस्वीरें हमें भेजी। आइए लो जी, हासिलपुर से ये क्या आया है? ये तो कोई मुझे कोई नहीं, ये आई थिंक मैदे के मछली की शेप दी हुई है और आई थिंक ये मैदे से नहीं तो बनाते कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करके चीज है ना। इसको अंग्रेजी में कोई खास सा इसका नाम होगा, अब मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं तो भी आपको पता है चिकन ब्रेड भी डॉक्टर नौशीन आई थी, डॉक्टर नौशीन ने कहा था कि माइंडफुल ईटिंग करनी है तो इस तरह की चीजों के बारे में तो मैं बिल्कुल मेरा माइंड बंद हो जाता है। तसीक सॉरी, वो गोलगप्पे देखे अभी आप? गोलगप्पे अभी दिल चाह रहा है, अभी भी डाइट पे है। एब्सोल्युटली, लेकिन वो खट्टा जो पानी होता है उसके साथ नहीं, मीठे पानी के साथ मुझे मजे के लगते हैं। हाय हाय हाय, खताइयां मुझे पीछे फ्रूट पड़े हैं, असली है कि नकली है? अच्छा ये क्या, ये बहुत कुछ अच्छा, आई थिंक ये चिकन बोनलेस हंडी टाइप चीज लग रही है, बिरयानी लग रही है, पिज्जा, पिज्जा है ये? पिज्जा है, है? नहीं, अच्छा पिज्जा है, पिज्जा है, चीज है उसके ऊपर, अच्छा अच्छा सॉरी, काफी मालदार किस्म का, अच्छे घराने का पिज्जा लग रहा है, मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं किचन में, फ्रिज में जो कुछ था सब कुछ डाल दिया उसके अंदर। लो जी, फ्राइड फिश, ये भी मुझे लगता है इनके हाँ दावत हुई है। बिल्कुल, इकरा के हाँ जो है दावत हुई है और इकरा ने कहा कि हम आपको तस्वीरें शेयर करते हैं। वेरी गुड इकरा, थैंक यू सो मच। आप देखें, आप समझे, आपकी पूरी दावत में हम शामिल हो गए, बहुत मजा, हमने तो बड़ा एंजॉय किया। अगली तस्वीर जो है वो है शाह फाहद की, उन्होंने मालाकंद से कुछ व्यू जो है बहुत खूबसूरत व्यू हमारे साथ शेयर किया है। लो जी, मालाकंद का व्यू आ गया शाह फाहद का, मीना मालाकंद से आपने जो है, वेरी गुड, ये तो बहुत खूबसूरत तस्वीर है भाई, यहाँ जाके तो दिल करेगा ना इंटरनेट हो, ना फोन हो, ना गाड़ी हो, बस आप हो और ये मंजर हो और शाम हो जाए और सुबह हो जाए। वाह, ऐसे रोड जा रहा है, ऐसा खूबसूरत सा। शाफ़ाहत, थैंक यू वेरी मच, बहुत खूबसूरत आपने हमें तस्वीर भेजी। हमजा खलील, आपने रावलपिंडी से कुछ तस्वीरें जो है वो हमारे साथ शेयर की हैं, आइए आपको दिखाते हैं और उस पे अपना जो है रिव्यू भी हम करते हैं। वाह, अच्छा जी, ये भी स्केचिंग है जी, कायद का कितना अच्छा स्केच बना के भेजा हमजा, शाबाश, वेरी गुड। और कैलीग्राफी में तो हमारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा तो हां बहुत अच्छा लगता है, शौक रखते हैं बिल्कुल। तौसीफ, जिस तरह से ये देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह इनकुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, बहुत खूबसूरत आपने कैलीग्राफी की है। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही खुरा वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, शाबाश बेटा, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत खूबसूरती से जो है आपने एक्सेलेंट भाई। और भी कुछ है या जी? बिल्कुल ऐसा, आज तो अच्छा, आज है एक ऐसा मैसेज है, मैंने माल बहुत ज्यादा है, आज एक ऐसा मैसेज है सोशल मीडिया जो मैंने लास्ट में छुपा के आखिर में रखा हुआ है, वो तौसीक ने कहा अच्छा आपको पता है क्या, मैंने कहा एक मैसेज नहीं बताना बाकी सारे बता दूंगे लास्ट में। एहसानुल हक, आपने जो है रावलपिंडी से कुछ आर्टिस्टिक चीजें बनाकर भेजी हैं, आइए आपको, वाओ ब्यूटीफुल भाई, दिस इज अमेजिंग एहसानुल हक, वाओ क्या खूबसूरत, उसकी आंखों में ऐसे लगता है वाकई जिंदा भी है ना। रावलपिंडी भैंसो जगह है जहां से आपने जो है तस्वीर ये बना, तो मुझे एहसानुल हक ने अपनी ये परिजात की तस्वीर अच्छा लो भाई, ये अहमद अली अकबर को हम भेजेंगे। वेरी नाइस, नूर नूर है जी, नूर की तस्वीर भी उन्होंने बनाकर भेजी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये नूर हसन की, वेरी गुड भाई, नूर को भी हम भेजते हैं, ये अर्तुरुल भाई को भेजते हैं, ठीक है ना रबेका, है ना, बड़ी बड़ी अच्छी ट्रेन की है वैसे, मुझे तक किसी अच्छे बार्बर के पास गए, वेरी बहुत ही खूबसूरत, लेकिन मैं इस चीज पे बड़ी हैरान हूँ इस कदर खूबसूरती से कि नॉर्मली जब लोग स्केच बनाते हैं तो पहचान नहीं आती है, थोड़ा बहुत कभी आंखें मैच कर रही है, नाक मैच, नहीं सब पहचानेंगे, बिल्कुल सब पहचानेंगे कि उनकी ही तस्वीर है। अच्छा, अब कुछ वीडियोस की जानिब बढ़ते हैं, अब्दुल समी, आपने आजाजमेंट कश्मीर से वीडियो हमारे साथ शेयर किया, आइए आपको वो दिखाते हैं। वाह जी वाह, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, और वीडियोस आप जब बना के भेजें तो ये कोशिश करें कि मतलब थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर का भी हमें नज़ारा कराएं, मुल्क से बाहर जो रहते हैं वो अपने ज़रा इर्द गिर्द की हमें, है ना, कि किस शहर में आप रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं,
कि आप किधर, नेपाल में रहते हैं या दुबई में रहते हैं? दुबई में रहते हैं, मेलबर्न में रहते हैं। तो वो पाकिस्तानी बहन भाई जो हमारा शो पीडीवी ग्लोबल भी देखते हैं, तो आप जरा अपने इलाके की भी, लेकिन कोशिश करें एक डेढ़ मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, तो आपकी वीडियोस का भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वीडियोस का भी हमें इंतजार है। जी, अगली वीडियो है, समन ने जो है वो भेजी है गुजर खान से, और उन्होंने कुछ परिंदों की तस्वीर भेजी है, वो आपको दिखाते हैं, आइए। जनाब, ये तो क्या खूबसूरती। अच्छा, टॉपिक के साथ कितना रिलेट की ना ये वीडियोस और पिक्चर्स। Exactly. आज कुछ लोगों के, क्योंकि वक्त की कमी होती है, तो हमने सोचा कि आप लोग इतनी मोहब्बत से मैसेजेस करते हैं। मुस्कान इस्लामाबाद से आपने हमारा साथ दिया, जारा लैया से हमारे साथ रहीं, बसीरत जहरा आपने हमारा साथ दिया मुल्तान से, इसी के अलावा अदीब हासिलपुर से आप हमारे साथ रहे, और जरगुना आपने जो है के पी के से हमारा साथ दिया है, जरियाब सरगोदा से, और नूर फातिमा जो है मानसहरा से हमारे साथ रहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कुछ आपके मैसेजेस उनको भी शामिल करना है। काशिफ अलवी आप हमारे साथ रहे चकवाल से, आपने प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और आपने कहा कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस प्रोग्राम से, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है जिसे मैंने कहा था मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ है, सुमेरा बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया, मेरी तरफ से तो एडवांस में आप शुक्रिया ले लेना। बड़े ज़बरदस्त सवाल आपके लिए आज तक, इतने हैंडसम होकर आपने शादी क्यों नहीं की? एक सवाल सुनते जाएं, हम आपका सेलिब्रिटी क्रश जानना चाहते हैं, दूसरा सवाल, कभी किसी का प्रपोजल आया, तीसरा सवाल, प्लीज मुझे रिप्लाई करें, आई एम वेटिंग। ये मैं जब से शायस्ता के शो में गया हूँ ना, इस तरह के सवालों पे लोग इनकरेज हो गए, उसने भी इस तरह के सवाल किए थे। अच्छा, अभी पहला क्या है, आप इतना हैंडसम होकर शादी क्यों नहीं की? यानी आपके सवाल का मतलब ये है कि लोग जो सिर्फ हैंडसम है उनको शादी करनी चाहिए, और थोड़े जरा कम हैंडसम है उनको तो शादी का हक ही नहीं है, और अगर कोई हैंडसम है उसने शादी नहीं की तो क्यों नहीं की? मतलब हैंडसम होने का शादी से क्या ताल्लुक है? ये तो इनवैलिड क्वेश्चन, ये हमने उधर फेंक दिया। अगला सवाल। नहीं सुमेरा, बिल्कुल बेफिक्र है, ये तो ऐसे गोलमोल कर रहे हैं, मैं बिल्कुल गोलमोल करने नहीं दूंगी। हैंडसम होने के बावजूद सवाल बड़े, अगर वो कहते ना कि आपने शादी नहीं की तो शायद आप जितने ज्यादा हैंडसम होते हैं ऑप्शंस उतनी ज्यादा होती है। दूसरा जवाब इसी सवाल का, ठीक है, इतनी ऑप्शंस थी कि अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिब्रिटी क्रश आपको कौन सा? सेलिब्रिटी क्रश, ये बहुत अच्छा सवाल है। सेलिब्रिटी क्रश जो है, एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है सैंड्रा बुलॉक, तो सैंड्रा बुलॉक जो है वो मेरा सेलिब्रिटी क्रश, मतलब उनकी कोई फिल्म भी मैं नहीं छोड़ता, और वो बहुत मंझी हुई अदाकारा है, लेकिन या आई थिंक वो आपका सेलिब्रिटी क्रश। अच्छा, आखिरी सवाल, वैसे तो मैंने पहले भी रुक जाना था लेकिन मैंने कहा नहीं, पाकिस्तानी है, एक भी बताना चाहूंगा प्लीज, पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी। तो हम जब यंग थे, नए-नए जवान हो रहे थे और टेलीविजन पे ड्रामे देखा करते थे, तो फरियाल गौहर, ऑल टाइम सेलिब्रिटी क्रश फरियाल गौहर जो है, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान टेलीविजन के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया, और एक ऐसा हसीन चेहरा कि बस आप वो कोई अदाकारी ना भी करें तो लगता है कि क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस वो दे रही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस, थिएटर में भी उन्होंने बहुत काम किया, टेलीविजन पे भी, फिल्म भी। सो आई थिंक फरियाल गौहर साहिबा जो है उनको आप, मैं सेलिब्रिटी क्रश की कैटेगरी में डाल सकता हूं। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल, कभी किसी का प्रपोजल आया, मना किया? आए तो यकीनन होंगे, कोई एक जानना चाहिए किसी सेलिब्रिटी का आया और आपने ना किया, जरा बता दे, हम इसको वायरल करेंगे। मैं अगर बता दूं तो फिर ये नहीं पूछना किसका, ठीक है? एक का तो मुझे पता है, वो एक बस वही है। अच्छा, वही है, एक का ही आया तो वही है जो आपको भी पता है। आपका प्यार है कि हम हल्ला गुल्ला करते रहते हैं इस शो में। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल, ब्रेक के बाद हमारे होंगे मेहमान हमारे साथ, नापा के CEO जुनेद साहब, और यकीनन उनसे जो है जानने को मिलेगा कि एक्टिंग अगर करनी है तो क्या उसकी कोई एज है, अगर सीखना चाहते हैं, चाहे गुलूकारी है या अदाकारी, अक्सर कहा जाता है ना कि एक उम्र तक आप ये काम कर सकते हैं, तो उनसे बहुत से सवाल जो है हमने पूछने, अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें बताइएगा ताकि हम उनसे पूछ सकें। बढ़ेंगे छोटी सी ब्रेक की जानिब, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।